हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आपकी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 2, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इस पूरे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में। यह है लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का वन शॉट वीडियो। आज हम दूसरे चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही क्लास में पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन सबको हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का आज हम करेंगे खात्मा और इसको बोलेंगे टाटा बाय बाय, क्योंकि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन है सबको मैं आज बताने वाला हूं। और आपको पता ही है कि इंग्लिश प्रोज में जो क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पेपर में आते हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो इस चैप्टर से जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं या आएंगे आज उसको हम आपको बताएंगे। तो चलो देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो हमारा लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है इसमें मेनली दो चीजों को दर्शाया गया है। सबसे पहली चीज, दो पार्ट में आप इसको बोल सकते हैं। देखो, दिल्ली की सीमापुरी में जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, देखो ये बच्चा कूड़ा बीन रहा है ना दिल्ली की सीमापुरी में, तो जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं उनकी स्थिति को दर्शाया गया है इस चैप्टर में, उनकी दयनीय स्थिति को बताया गया है, ठीक है। दूसरे पार्ट में हमें बताया गया है जो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले लोग हैं, देखो ये चूड़ी रखा है, एक लड़का बैठा हुआ है, तो फिरोजाबाद में जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं उनकी दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है कि वो चूड़ी कैसे बनाते हैं, कौन कौन से उनको खतरे होते हैं चूड़ी बनाते समय, उसको भी बताया गया है। अब चूड़ी तो आपको पता ही होगा, बैंगल्स, आपको नहीं पता तो लड़कियों को जरूर पता होगा, ठीक है, चूड़ी क्या होती है सबको पता है। तो ये आपका हो जाएगा 12th इंग्लिश के चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो। चैप्टर 1 जो हमारा था द लास्ट लेसन, उसको मैं पहले ही बता चुका हूं, आप लोग सर्च करना द लास्ट लेसन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। तो चलिए चैप्टर 2 को हम लोग बोलते हैं टाटा बाय बाय और इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको आज हम पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने रखा है सॉल्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को, जो चार चार नंबर के आते हैं और टोटल मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा सॉल्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, उसके बाद में हम लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है, जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। तो दिल थाम के बैठिएगा, कॉपी पेन लेना, एक बोतल पानी ले लेना और पढ़ने बैठ जाना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये दिल्ली की सीमा पूरी से रिलेटेड है, ठीक है। देखो, Why, क्यों, did children, बच्चे इन सीमापुरी, सीमापुरी में stay barefoot, stay barefoot का मतलब होता है नंगे पैर रहना, तो सीमापुरी में बच्चे नंगे पैर क्यों रहते थे। अब देखो, जो सीमापुरी में बच्चे रहते थे वो कूड़ा बीनने वाले लोग जो हैं, जिनको इंग्लिश में हम रैग पिकर बोलते हैं, ठीक है, उन्हीं के बच्चे हैं। भैया गरीबी है, उतना पैसा नहीं है कि वो जाकर थोड़ा स्लीपर या फिर शूज खरीद सकें, जूते चप्पल खरीद सकें, इतना पैसा उनके पास नहीं है, वो अपना भरण पोषण कर लें उतना ही काफी है, ठीक है, क्योंकि कूड़ा बीनने से कितना पैसा मिल जाएगा सबको पता होगा, थोड़ा बहुत खर्चा पानी चल जाता है। तो वो आखिर बच्चे जो है नंगे पैर क्यों रहते थे, इसको मैं बताता हूं। द लैक ऑफ मनी, लैक का मतलब होता है कमी, ऑफ मनी पैसों की, ठीक है, तो पैसों की कमी इज है वैलिड एक्सप्लेनेशन, यानी कि वैध स्पष्टीकरण या आप बोल सकते हैं उचित कारण, ठीक है। तो द लैक ऑफ मनी इज वैलिड एक्सप्लेनेशन, यानी कि पैसों की कमी जो है वो उचित कारण है। आखिर वो नंगे पैर क्यों रहते थे भाई, किसी को शौक है कि नंगे पैर वो रहे, कोई माता पिता चाहता है कि मेरे बच्चे नंगे पैर घूमे, कभी नहीं चाहता मेरे स्टूडेंट। तो यही कहा गया है कि पैसे की जब कमी रहेगी ना तो मजबूरी सब कुछ करा देती है। तो द लैक ऑफ मनी इज वैलिड एक्सप्लेनेशन, पैसे की कमी जो है वो उचित कारण है। वैलिड का मतलब होता है उचित, एक्सप्लेनेशन का मतलब आप कारण भी बोल सकते हैं या स्पष्टीकरण भी इसको बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो पैसों की कमी जो है उचित कारण है। चिल्ड्रेन, बच्चे, लाइक साहेब, साहेब जैसे कांट अफोर्ड, वो नहीं खरीद सकते शूज जूते,
तो साहेब जैसे बच्चे जूते नहीं खरीद सकते। अब साहेब कौन है ये भी कूड़ा बीनने वाले लोगों में से है। अब देखो नाम है भैया का साहेब और बीनते हैं कूड़ा करकट, तो देखो नाम में कुछ नहीं रखा है। जिसका नाम साहेब है वो कूड़ा करकट बीन रहा है, ठीक है। जिसका नाम प्रकाश है वो तमाम लोगों को अंधेरे में घुमा रहा है, तो नाम में बेटा कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो साहेब जैसे बच्चे जूते नहीं खरीद सकते, इतने पैसे नहीं है उनके पास, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। व्हेन जब साहेब को गेट्स मिलते हैं, ये पियर एक जोड़ी आप शूज जूते ही वियर्स वो पहन लेता है। और जब साहेब को एक जोड़ी जूते मिलते हैं ना, वो पहन लेता है, क्योंकि जूते उसके पास थे नहीं, जब उसको मिल रहा है तो क्यों नहीं पहनेगा। तो जब व्हेन साहेब गेट्स ये पेयर्स ऑफ शूज ही वियर्स, जब साहेब को एक जोड़ी जूते मिलते हैं वो पहन लेता है। साहेब भी कूड़ा बीनने वाले लोगों में से है। आगे देखिए, वन एक्सप्लेनेशन, एक कारण इज दैट, ये है कि इट हैज बिकम, ये बन गई है ये ट्रेडिशन, एक परंपरा फॉर देम, उनके लिए, टू स्टे बेयर फुट, यानी कि नंगे पैर रहना। और एक कारण ये भी है कि उनके लिए नंगे पैर रहना एक परंपरा बन गई है। क्यों? क्योंकि वो शुरुआत से ही जूते नहीं पहन कर आ रहे हैं, तो उनके लिए नंगे पैर रहना जो है एक ट्रेडिशन, एक परंपरा बन गई है। जैसे हमारी परंपरा होती है कि हम लोगों का दीपावली आएगा, भैया हम दीपावली मनाएंगे, पटाखे जलाएंगे, वैसे उनकी परंपरा बन गई है कि हम बिना जूते चप्पल के घूमेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। आगे देखो, बट लेकिन द राइटर, लेखक डाउट्स इट, इस पर संदेह करता है, लेकिन लेखक इस पर संदेह करता है। अब हम एक बार फिर से इसको आपको बताएंगे, दोबारा हम रिवाइज कर देंगे ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डिड चिल्ड्रेन इन सीमापुरी स्टे बियर फुट, यानी कि सीमापुरी में बच्चे नंगे पैर क्यों रहते थे। द लैक ऑफ मनी इज वैलिड एक्सप्लेनेशन, पैसों की कमी जो है वो उचित कारण है। चिल्ड्रेन लाइक साहेब कांट अफोर्ड शूज, साहेब जैसे बच्चे जूते नहीं खरीद सकते। When साहेब gets ये pairs of shoes he wear, जब साहेब को एक जोड़ी जूते मिलते हैं वो पहन लेता है। One explanation is that it has become a tradition for them to stay barefoot, और एक कारण ये भी है कि उनके लिए नंगे पैर रहना एक परंपरा बन चुकी है। But the writer doubts it, लेकिन लेखक इस पर संदेह करता है। बस ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया भैया। अगर ये क्वेश्चन आता है, चार नंबर आपको दिलाकर जाएगा, ऐसे लिख देना। चलो इसको नोट करो फटाफट, मैं साइड में हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया, चलो सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अब ये जो है ये फिरोजाबाद शहर से रिलेटेड है। ज्यादातर तो चूड़ियां जो लड़कियां पहनती हैं या जो ओमेन्स पहनती है ना, वो सब फिरोजाबाद से ही ज्यादातर आती है, ठीक है। तो लड़कियों ध्यान दो कहां से चूड़ियां आती है, ठीक है, डायरेक्ट खरीद लेना। देखो, व्हाट क्या मेक्स बनाता है द सिटी, शहर को आप फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के फेमस प्रसिद्ध, तो फिरोजाबाद शहर किस बात के लिए प्रसिद्ध है, या फिरोजाबाद शहर को, फिरोजाबाद शहर जो है को क्या प्रसिद्ध बनाता है। मतलब इसका कहना है सीधा सीधा कि फिरोजाबाद शहर किस बात के लिए प्रसिद्ध है। चलो इसको भी देखते हैं भाई। देखो, फिरोजाबाद इज फेमस, फिरोजाबाद इज है फेमस, प्रसिद्ध फॉर के लिए, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, मतलब ग्लास, ग्लास का मतलब होता है कांच के, ठीक है, ब्लोइंग बनाने में इंडस्ट्री, उद्योग, ठीक है। तो फिरोजाबाद जो है वो कांच बनाने के उद्योग के लिए फेमस है। अब चूड़ियां जो होती है वो भी कांच की ही ज्यादातर होती है, छोटे बच्चों वाली चूड़ियां मैं बात नहीं कर रहा हूं जो प्लास्टिक की होती हैं। तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, फिरोजाबाद कांच बनाने के उद्योग के लिए फेमस है, वहां पर कांच बनाने के इंडस्ट्री ज्यादा है, ठीक है। आगे देखो, एवरी अदर, यानी कि हर एक फैमिली परिवार हियर, यहां इज इंगेज्ड, लगा हुआ है इन मेकिंग, बनाने में बैंगल्स चूड़ियां। तो यहां का हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है, वहां की जो फैमिलीज है ना, हर दूसरी फैमिली चूड़ी बनाने के काम में लगी हुई है, ठीक है, मतलब चूड़ी बनाने का काम होता है। इट इज फेमस, ये प्रसिद्ध है फॉर इट्स बैंगल्स, अपने चूड़ियों के लिए, तो ये अपने चूड़ियों के लिए फेमस है, अपने चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इतना सा लिख देना, नंबर मिल जाएगा। फिर से मैं बता दूं इसका आंसर, एक बार दोबारा रिवाइज करें हम लोग, जैसा आप लोग बोले, ठीक है। देखो, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद
शहर किस बात के लिए प्रसिद्ध है या फिरोजाबाद शहर को क्या प्रसिद्ध बनाता है। तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, फिरोजाबाद कांच बनाने के उद्योग के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली हियर इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, यहाँ का हर एक परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है। इट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और ये अपने चूड़ियों के लिए फेमस है। चूड़ी बनाने का काम यहाँ पे ज्यादातर होता है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया ना। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, ये वो वाले क्वेश्चन नहीं है। मैंने बताया कॉपी पेन बोतल पानी लेकर सब बैठना, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। सारे क्वेश्चन तो मैंने ले लिए हैं, अब और क्या चाहिए जिंदगी के लिए है? तो अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बस आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिखना सर आप ऐसे ही पूरे चैप्टर के क्वेश्चन बताओ तो मैं लेकर आऊंगा भैया। जब तक आप कहोगे नहीं मैं कैसे लेकर आऊंगा, ठीक है। चलो जैसे आप पूजा करने जाते हैं भगवान की, तो भगवान से कुछ मांगते हैं, अगर नहीं मांगेंगे तो भगवान कैसे आपके दुख पीड़ा को समझेंगे। कुछ मांगोगे तभी तो वो आपको देंगे, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन, मेंशन। मेंशन का मतलब होता है व्याख्या करो। द हजार्ड्स, हजार्ड्स का मतलब होता है खतरों, खतरा, ठीक है। हजार्ड का मतलब खतरा, हजार्ड्स का मतलब खतरों का, ऑफ वर्किंग, काम करने का, इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्री यानी कि कांच चूड़ी उद्योग में, ठीक है। यानी कि ग्लास बैंगल कांच के चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरों को स्पष्ट कीजिए, काम करने के खतरों की व्याख्या करो। मतलब जो चूड़ी बनाने वाला काम जो लोग करते हैं ना, उनको किन किन खतरों का सामना करना पड़ता है उसकी व्याख्या करो भाई। जैसे जो चूड़ी बनाते हैं ना, उसको उनके पास बहुत सारे खतरे भी होते हैं, ठीक है, वो कई चीजों से गुजरते हैं। तो वही कहा गया, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, यानी कि चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरों की व्याख्या करो। चलो करते हैं भाई, क्या क्या खतरे हैं उसको मैं बताता हूं। वर्कर्स, श्रमिक वर्क काम करते हैं इन डिंगी सेल्स। डिंगी सेल्स का मतलब होता है जो गंदी कोठरियां होती है, जो गंदे रूम होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे सामान रखे होते हैं, वो रूम एकदम साफ सफाई वाला नहीं होता है, तो उसमें वो काम करते हैं। चूड़ी बनाने का जो पॉलिश होता है वो सब रखा होता है, ठीक है, जो उनकी आंखों के लिए नुकसानदायक होता है वही सब। तो वर्कर्स वर्क इन डिंगी सेल्स, ठीक है, विदाउट बिना किसी एयर, हवा एंड लाइट, प्रकाश के, ठीक है। तो श्रमिक जो है वो बिना हवा और प्रकाश के गंदी कोठरियों में काम करते हैं, जो गंदे गंदे रूम होते हैं उसमें वो लोग काम करते हैं। अब आप कहेंगे सर जी हवा जब नहीं जाएगी वहां पे तो वो सांस कैसे ले पाएंगे, मर नहीं जाएंगे वो? बिल्कुल भैया, अरे ऐसा थोड़ी ना कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा, बिना ऑक्सीजन के वो जीवित कैसे रहेंगे? ऐसा थोड़ी ना कि प्रकाश नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत प्रकाश रहेगा, ठीक है, लेकिन उतना प्रॉपर नहीं रहेगा जितना हमारे बाहरी वातावरण में है। तो वही कहा गया वर्कर्स वर्क इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, यानी कि श्रमिक बिना हवा और प्रकाश के गंदी कोठरियों में काम करते हैं। आगे देखो, दे लूज, वो एक खो देते हैं द ब्राइटनेस, रोशनी ऑफ दियर आईज, अपने आंखों की, वे अपने आंखों की रोशनी भी खो देते हैं। क्योंकि जो आप चूड़ियां देखते हैं ना, कई तरह की चूड़ी होती है, कोई ज्यादा चमकदार होती है, कोई किस तरह की होती है, तो वो जो चमकता है ना उस पर पॉलिशिंग की जाती है, उसकी पॉलिश की जाती है, और जो उसकी जो पॉलिश की जाती है उसका जो पाउडर होता है ना वो उड़कर अगर उनकी आंखों में पड़ गया भाई तो क्या होगा, वो अपने आंखों की रोशनी भी खो सकते हैं। वही लिखा है, दे लूज द ब्राइटनेस ऑफ दियर आईज, वे अपने आंखों की रोशनी भी खो देते हैं। अब सभी लोग थोड़ी ना खोते हैं, जो लापरवाही करेगा वही खोएगा भाई। द पाउडर, पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग, पॉलिश वाला, पॉलिश से बैंगल्स चूड़ियों के, आल्सो ब्लाइंड्स देम, वो उनको भी अंधा भी कर सकता है। तो चूड़ियों को पॉलिश करने वाला जो पाउडर होता है ना वो भी उनको अंधा कर देता है कभी कभी। जैसे भाई अगर आप लोग ही रहते हैं, अब लाइट सभी लोग यूज करते हैं, ठीक है, अब कोई मान लीजिए गलती कर दिया, लाइट गलती से छू लिया, ठीक है, तो उसको करंट लग जाएगा। वैसे ही जब इसमें भी गलती होगी तब भी वो अंधे होंगे। ऐसा नहीं कि सभी लोग जो काम करते हैं सब अंधे ही हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लापरवाही करेगा वो हो सकता है, मतलब ये सब खतरे हैं जो हो सकता है, कैन बी। तो क्वेश्चन आपका क्या था,
मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, यानी कि चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरों की व्याख्या करो। तो वर्कर्स वर्क इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, जो चूड़ी उद्योग में काम करने वाले जो श्रमिक हैं वो बिना किसी प्रकाश और हवा के गंदी कोठरियों में काम करते हैं। दे लूज द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, वे अपने आंखों की रोशनी भी खो देते हैं। द पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ बैंगल्स आल्सो ब्लाइंड्स देम, यानी कि चूड़ी को पॉलिश करने वाला जो पाउडर होता है वो भी कभी कभी उनको अंधा कर देता है। तो ये सब खतरे हैं भाई जो हो सकते हैं, कैन बी इन फ्यूचर। चलो इसको भी नोट करो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और अभी तो ट्रेलर है मेरे भाई, पिक्चर अभी बाकी है, टेंशन मत लेना। अभी तो हम सॉल्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देख रहे हैं, अभी दो क्वेश्चन और है इसमें, फिर हम लॉन्ग को भी देखेंगे। नो टेंशन, जब तक है आपका भाई शुभम। चलो देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या है नंबर फोर क्वेश्चन, देखिए क्या है। अब देखो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर फोर जो है ये हमारे किस चीज से रिलेटेड है, क्योंकि दो पार्ट थे हमारे, तो ये भी हमारे चूड़ी बनाने वाले में ही एक लड़का है मुकेश, ये उससे संबंधित क्वेश्चन है। आप लोग चैप्टर पढ़ोगे सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट क्या डज मुकेश, मुकेश वांट चाहता है टू बीकम इन लाइफ, यानी कि बीकम बनना इन लाइफ जीवन में। तो अपने लाइफ में मुकेश क्या बनना चाहता है, अपने जीवन में मुकेश अपने जीवन में क्या बनना चाहता है, उसकी एम्बिशन उसकी महत्वाकांक्षा क्या है, आखिर वो बनना क्या चाहता है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं भाई, कोई बायोलॉजी से होगा उसको डॉक्टर बनना है, कोई मैथ से होगा उसको इंजीनियर बनना है, कोई आर्ट से होगा उसको सिविल लाइन में जाना है। तो ऐसे से आपका टारगेट है, वैसे ही हमारे मुकेश भैया का क्या टारगेट है, वो काम तो कर रहा है चूड़ी बनाने वाला, लेकिन उसका एम्बिशन कुछ अलग है, उसका एम अलग है। देखो मुकेश, मुकेश बिलोंग संबंध रखता है टू द फैमिली, परिवार से, आप बैंगल मेकर्स यानी कि चूड़ी बनाने वाले परिवार से, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के। तो मुकेश फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता है, मतलब चूड़ी बनाने वाली जो फैमिली है ना उसी से मुकेश भी आता है। वेयर जहां ईच फैमिली, हर एक परिवार इज इंगेज्ड, लगा हुआ है इन बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने के काम में, जहां का हर एक परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है। तो पहले तो मैंने आपको यह बता दिया मुकेश कहां से है, कौन है। तो मुकेश फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता है, जहां का हर एक परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है। दे लिव, वे रहते हैं इन हाफ बिल्ट, हाफ बिल्ट का मतलब होता है आधी बनी, हाफ का मतलब आधी, बिल्ट का मतलब बनी, तो आधी बनी हट्स झोपड़ियों में, एंड और स्टिंकी लेंस, स्टिंकी लेंस का मतलब होता है बदबूदार गलियां, ठीक है, बदबूदार जो गलियां होती हैं उसमें। तो वे जो है आधी बनी झोपड़ियों और बदबूदार गलियों में रहते हैं, ठीक है, वहीं पे चूड़ी बनाने का काम करते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं, उसी से अपनी जीविका को चलाते हैं। ऑन आस्किंग, पूछे जाने पर मुकेश सेज, मुकेश कहता है आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो मुकेश, पूछे जाने पर मुकेश क्या कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। जब उससे पूछा जाता है बेटा तू क्या बनेगा अपने जीवन में, तो वो कहता है मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। और इतना ही नहीं, कुछ और कहा उसने, I will learn to drive ये कार, मैं कार चलाना भी सीखूंगा। वो कहता है मैं कार चलाना भी सीखूंगा। Thus इस प्रकार he wants, वो चाहता है to be, बनना his own master, खुद का मालिक। इस प्रकार वो खुद का मालिक बनना चाहता है, ठीक है, ताकि वो खुद का मालिक रहे, किसी के अंडर में उसको काम ना करना पड़े, और यही ठीक भी है। तो फिर से इसको मैं एक बार रिवाइज करूं, देखो What does Mukesh want to become in life? Mukesh अपने जीवन में क्या बनना चाहता है? तो Mukesh belongs to the family of bangle makers in Firozabad, where each family is engaged in bangle making. यानी कि Mukesh फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता है, जहां का हर एक परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है। They live in half-built huts and stinky lanes. वे आधी बनी झोपड़ियों में और बदबूदार गलियों में रहते हैं। On asking Mukesh says I will be a motor mechanic. यानी कि पूछे जाने पर मुकेश कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। I will learn to drive a car. मैं कार चलाना सीखूंगा, ठीक है। Thus he wants to become his own master. इस प्रकार वो खुद का मालिक बनना चाहता है। चलो इसको नोट करो फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो स्टूडेंट, आप लोग स्मार्ट हो, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन है सॉल्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। देखो, व्हाट क्या डू द इनहेबिटेंट्स, यानी कि आप प्रवासी, इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी, आप प्रवासी, आप सीमापुरी, सीमापुरी के डू करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, अपने अस्तित्व के लिए। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि सीमापुरी के निवासी अपने अस्तित्व के लिए क्या करते हैं, जो सीमापुरी में रहने वाले लोग हैं वो अपने अस्तित्व के लिए, अपने जीविका के लिए क्या करते हैं। भैया वो क्या करते हैं, कूड़ा बीनते हैं। उसी को हमें थोड़ा अच्छे से समझा देना है। देखो क्या है, सीमापुरी, सीमापुरी इज है ये स्लम एरिया। स्लम एरिया का मतलब होता है जो झुग्गी बस्ती वाला होता है ना, या आप कह सकते हैं गंदी बस्ती वाला क्षेत्र, जहां पे बस्ती तो है लेकिन बहुत ज्यादा गंदगी है, उसको स्लम एरिया बोलते हैं, गंदी बस्ती वाला क्षेत्र। तो सीमापुरी, सीमापुरी इज है ये स्लम एरिया, एक गंदी बस्ती वाला क्षेत्र लोकेटेड, जो स्थित है इन द ईस्ट, पूर्व में दिल्ली, दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली के जिले, इंडिया, भारत में। ठीक है, तो सीमापुरी भारत के दिल्ली में, मतलब भारत के दिल्ली में जो पूर्वी दिल्ली जिला है उसमें स्थित एक गंदी बस्ती वाला क्षेत्र है, एक झुग्गी झोपड़ी वाला क्षेत्र है। समझ में आया, जहां पे मतलब आप देखेंगे तो क्या होगा, घर नहीं बना है वहां पे पक्का, वहां पे टिन और जो तार तारपोलिन आता है, ठीक है, जो तिरपाल आते हैं उससे बने घर बने हुए हैं। ठीक है, यानी कि झुग्गी झोपड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वही कहा गया है, सीमापुरी इज ए स्लम एरिया लोकेटेड इन द ईस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली इंडिया, यानी कि सीमापुरी भारत के दिल्ली के, मतलब दिल्ली के पूर्वी दिल्ली जिले में स्थित एक गंदी बस्ती वाला क्षेत्र है, एक स्लम एरिया है। आगे देखो, इट इज ये है होम, घर, टू थाउजेंड, हजारों ऑफ पीपल, लोगों का, हु जो लिव रहते हैं इन एक्सट्रीम पावर्टी, यानी कि अत्यधिक गरीबी में। तो ये उन हजारों लोगों का घर है जो अत्यधिक गरीबी में रहते हैं, मतलब ये उन हजारों लोगों का घर भी है जो बहुत ज्यादा गरीबी में रहते हैं, उनका ये घर है भैया। वो भले ही झुग्गी बस्ती वाला क्षेत्र है, भले ही गंदी बस्ती वाला क्षेत्र है, लेकिन वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं जो अपनी जीविका को चलाते हैं। ठीक है, कौन रहते हैं उसको भी देख लीजिए, द मेजोरिटी, अधिकांश ऑफ रेजिडेंस, निवासी, ठीक है, आप सीमापुरी, सीमापुरी के आर रैग पिकर्स, यानी कि कूड़ा बीनने वाले लोग हैं। ठीक है, तो अधिकांश सीमापुरी के अधिकांश निवासी जो हैं वो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं। ठीक है, हु अर्न, जो कमाते हैं दियर लिवलीहुड, अपनी जीविका, बाय कलेक्टिंग, इकट्ठा करके, एंड सेलिंग, बेचकर, रिसाइक्लेबल वेस्ट, यानी कि पुनर्चक्रण योग्य जो वेस्ट होता है, ठीक है, पुनर्चक्रण योग्य जो वेस्ट होता है, यानी कि कूड़ा करकट जिसको पुनर्चक्रण करके कुछ बनाया जा सके, उसी को इकट्ठा करके और उसी को बेचकर अपनी जीविका को चलाते हैं। देखो क्या लिखा है, हु अर्न देयर लिवलीहुड बाय कलेक्टिंग एंड सेलिंग रिसाइक्लेबल वेस्ट, यानी कि जो पुनर्चक्रण योग्य जो वेस्ट है उसको इकट्ठा करके और उसको बेचकर अपनी जीविका को चलाते हैं। ठीक है, मतलब जो कूड़ा करकट है उसको इकट्ठा करते हैं, फिर कुछ थोड़े पैसों के लिए बेचते हैं और अपनी जीविका को चलाते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं। आगे देखो, इट ये इज हाई, ये चैलेंजिंग, एक चुनौतीपूर्ण, एंड हजार्डस, और हजार्डस का मतलब क्या होता है, खतरनाक जिसको हम लोग बोलते हैं, हजार्ड का मतलब खतरा, हजार्डस का मतलब खतरनाक, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, इसको हटा दीजिएगा, दैट जो प्रोवाइड्स, प्रोवाइड कर दीजिएगा, जो प्रोवाइड्स, प्रोवाइड करता है या प्रदान करता है, स्टेडी सोर्स, स्थिर स्रोत ऑफ इनकम, आय का, फॉर द रेजिडेंट्स, यानी कि निवासियों के लिए, आप सीमापुरी, सीमापुरी के। तो कहा जा रहा है, इट इज ए चैलेंजिंग एंड हजार्डस, ये चुनौतीपूर्ण और खतरनाक ऑक्यूपेशन, व्यवसाय है, दैट जो प्रोवाइड, प्रदान करता है, स्टेडी सोर्स, यानी कि स्थिर स्रोत ऑफ इनकम, आय का, फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ सीमापुरी, यानी कि सीमापुरी के निवासियों को। तो ये एक चुनौतीपूर्ण और खतरनाक व्यवसाय है जो सीमापुरी के निवासियों को आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करता है। मतलब ये जो कूड़ा बीनने वाला काम है ना,
ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण और बहुत ज्यादा खतरनाक काम है जो सीमापुरी के लोगों को आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करता है। आय का मतलब कुछ पैसों का एक स्रोत प्रदान करता है। स्रोत का मतलब होता है जिससे आए पैसा, ठीक है, वही चीज। तो इसको मैं एक बार फिर से बताऊंगा क्योंकि ये फिर से बताने वाली चीज है, ठीक है। दो चीज यहां पे मिसप्रिंट था, इसको हटा देना और इस एफ को हटा देना। देखो क्या है, व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि सीमापुरी के निवासी अपने अस्तित्व के लिए क्या करते हैं। तो देखो, सीमापुरी इज ए स्लम एरिया लोकेटेड इन द ईस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली इंडिया, यानी कि सीमापुरी भारत के दिल्ली के पूर्वी दिल्ली जिले में स्थित एक गंदी बस्ती वाला क्षेत्र है। इट इज होम टू थाउजेंड ऑफ पीपल हु लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी कि यह उन हजारों लोगों का घर भी है जो अत्यधिक गरीबी में रहते हैं। द मेजोरिटी ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ सीमापुरी आर रैग पिकर्स, यानी कि यहां सीमापुरी में अधिकांश लोग कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, मतलब कूड़ा बीनने वाले लोग हैं सीमापुरी में के अधिकांश लोग कूड़ा बीनने वाले लोग हैं। हु अर्न देयर लिवलीहुड बाय कलेक्टिंग एंड सेलिंग रिसाइकलेबल वेस्ट, जो पुनर्चक्रण योग्य जो कूड़े कचरे हैं उसको इकट्ठा करके और उसको बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। आगे देखो, इट इज ए चैलेंजिंग एंड हजार्डस ऑक्यूपेशन दैट प्रोवाइड्स स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ सीमापुरी, यानी कि ये एक चुनौतीपूर्ण और खतरनाक व्यवसाय है जो सीमापुरी के लोगों को, ठीक है, आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करता है। थोड़ा सा इसको समझना, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाना और यहां पे जो प्रोवाइड्स लिखा है बीच में आर लगा देना, प्रोवाइड्स है, PROVIDES, बस, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, अब इसको हम हटाएंगे और अब चलेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन पे, क्योंकि सॉल्ट वाला भैया हमारा 5 क्वेश्चन हो गया है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस सॉल्ट इस टाइप क्वेश्चन में यही 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक्स्ट्रा पढ़ लोगों अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन ये 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इसको हटाते हैं, चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो स्टूडेंट, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। भैया देखने से ही आपको पता चल रहा है ये थोड़ा लॉन्ग लिखा है और छोटा छोटा लिखा है, तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होगा। अब इसको आपको समझना है भैया, लॉन्ग क्वेश्चन पूरे 7 नंबर के आते हैं, तो इसको हम मिस नहीं कर सकते। इस चैप्टर में टोटल 2 लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों को हम इसी क्लास में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला है, डिस्क्राइब वर्णन करो द लाइफ, जीवन का ऑफ रैग पिकर, कूड़ा बीनने वाले लोगों का इन सीमापुरी के, ठीक है। तो सीमापुरी में कूड़ा बीनने वाले लोगों के जीवन का वर्णन करो कि वो कैसे रहते हैं, कहां से आए हैं, ये सब आपको बताना है। मतलब सीमापुरी में कूड़ा बीनने वाले लोगों के जीवन का वर्णन आपको करना है। तो देखो ध्यान से समझो, सीमापुरी इज है ये सेटलमेंट, एक बस्ती आप मोर देन यानी कि 10,000 यानी कि 10,000 से भी ज्यादा रैग पिकर्स कूड़ा बीनने वाले लोगों की। तो सीमापुरी 10,000 से भी ज्यादा कूड़ा बीनने वाले लोगों की एक बस्ती है जहां पे लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। आगे देखो ध्यान से समझना, इट ये है, इज है ये प्लेस, एक स्थान या एक इलाका ऑन द पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब होता है बाहरी इलाका, ठीक है, बाहरी इलाका आप बोल सकते हैं आप दिल्ली का। तो ये दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक स्थान है, दिल्ली से थोड़ा बाहर स्थित एक इलाका है या फिर एक स्थान है, कौन, सीमापुरी। आगे देखो, दोज वे हु जो लिव रहते हैं हियर, यहां आ रहे हैं स्क्वैटर्स, स्क्वैटर्स का मतलब होता है अवैध निवासी, मतलब अवैध रूप से जो आने वाले निवासी हैं जिनका यहां पे कोई नहीं है, जो अवैध निवासी होते हैं उनको स्क्वैटर्स बोलते हैं। हु जो केम आए हैं फ्रॉम बांग्लादेश से इन 1971 में, तो यहां पे जो रहने वाले लोग हैं वो 1971 यानी कि 1971 में बांग्लादेश से आए अवैध निवासी हैं, अवैध रूप से रहने वाले लोग हैं, स्क्वैटर्स का मतलब होता है जो अवैध रूप से रह रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, रैग पिकर्स कूड़ा बीनने वाले लोग लिव रहते हैं इन स्ट्रक्चर ऑफ मड यानी कि मिट्टी के घर में, तो कूड़ा बीनने वाले लोग जो हैं वो मिट्टी के घर में रहते हैं, मड का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है।
देखो दे हैव, उनके पास रूप्स जो छते हैं ऑफ टिन, वो टिन टिन की हैं या फिर तारपोलिन यानी कि तिरपाल की हैं। तो उनकी छतें टिन और तिरपाल की बनी है, यानी कि पक्का घर नहीं है भैया, छत नहीं लगा है वहां पे, क्या है या तो टीना रखा हुआ है जिसको टिन बोलते हैं, या फिर जो तिरपाल होता है ना वो वहां पे रखा हुआ है, तंबू जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, देयर इज नो सीवेज, यहां पर कोई सीवेज नहीं है। सीवेज का मतलब जो बेस्ट जो पानी होता है, ठीक है, उसी को तो हम सीवेज बोलते हैं, ठीक है, जिसमें मनुष्य का मलमूत्र मेनली होता है, ठीक है, टॉयलेट। तो यहां पे कोई सीवेज नहीं है, ड्रेनेज भी नहीं है, आर रनिंग वाटर या फिर बहता पानी भी नहीं है। तो यहां पर कोई सीवेज, ड्रेनेज या बहता पानी नहीं है, पानी निकलने की जगह भी अच्छे से नहीं है, ठीक है, वैसे इधर उधर पानी जाता रहता है। आगे देखो, दे लिव, वे रहते हैं हियर, यहां विदाउट, बिना किसी आइडेंटिटी यानी कि पहचान के, एंड और विदाउट परमिट, बिना किसी अनुमति के। तो वे यहां पर बिना किसी पहचान और बिना किसी अनुमति के रहते हैं। देखो आइडेंटिटी का मतलब पहचान और परमिट का मतलब होता है अनुमति। तो वो यहां बिना किसी पहचान और बिना किसी अनुमति के रहते हैं, उनका यहां पे कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखो, फूड भोजन इज है मोर इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण फॉर देम, उनके लिए, देन देयर आइडेंटिटी यानी कि अपनी पहचान से ज्यादा। तो भोजन उनके लिए अपनी पहचान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। भैया पहचान लेकर वो क्या करेंगे, अगर खाना ही नहीं मिलेगा, वो जीवित ही नहीं रहेंगे, तो पहचान बनाकर वो क्या करेंगे। तो वही कहा गया है, फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम देन देयर आइडेंटिटी, भोजन उनकी पहचान से ज्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखो, चिल्ड्रेन, बच्चे, ग्रो अप, बड़े होकर, टू बीकम, बनते हैं पार्टनर, भागीदार इन सर्वाइवल, उनकी जीविका में। ठीक है, तो बच्चे भी बड़े होकर उनके जीवन यापन में भागीदार बनते हैं, यानी कि जो उनके पापा कर रहे हैं, मम्मी कर रहे हैं कूड़ा बीनने वाला काम, वही बच्चे भी करते हैं, वो भी बड़े होकर क्या करते हैं, कूड़ा करकट बीनने में उनके उनका साथ देते हैं। यानी कि चिल्ड्रेन ग्रो अप टू बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, बच्चे भी बड़े होकर जीवन यापन में भागीदार बनते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, बच्चों को पढ़ा सकें। तो आप खुद को खुश नसीब समझो कि आपके पेरेंट्स इतने काबिल हैं कि वो आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आपका पूरा खर्चा उठा रहे हैं। जाकर उनसे पूछो, जो कूड़ा बीनने वाले बेचारे लोग हैं, उनके पिताजी चाह कर भी बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। कोई भी माता पिता नहीं चाहते, कोई पेरेंट्स नहीं चाहता कि मेरे बच्चे अच्छे से ना रहें, मेरे बच्चे बिना चप्पल के रहें, बिना जूते के रहें, मेरे बच्चे अच्छे से ना पढ़ें, कोई नहीं चाहता। लेकिन मजबूरी है, इसीलिए माता पिता के साथ बच्चे भी कूड़ा बीनने का काम कर रहे हैं। तो आप खुद को समझो कि भगवान ने आपको ऐसे पेरेंट्स दिए हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, फिर उनके सपनों को क्यों ना पूरा किया जाए, क्यों मेहनत ना किया जाए, खूब मेहनत करो ताकि उनका नाम हो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर होता क्या है, एन आर्मी, एक सेना, आप बेयर फूट, नंगे पैर की, चिल्ड्रेन, बच्चों की अपीयरेंस दिखाई देती है इन द मॉर्निंग, सुबह, विथ देयर प्लास्टिक बैग्स, अपने प्लास्टिक बैग के साथ, ऑन देयर सोल्जर, अपने कंधों पर। तो क्या होता है कि नंगे पैर बच्चों की एक सेना सुबह सुबह अपने कंधों पर प्लास्टिक की बैग टांगे हुए दिखाई देती है। जो बच्चे होते हैं ना, वो सुबह सुबह नंगे पैर एक प्लास्टिक का बैग ले लेंगे, अपने कंधों पर रखे रहेंगे और उसको लेकर इधर उधर घूमते रहेंगे, जहां कहीं भी उनको कूड़ा करकट दिखेगा वो उठाकर उस बैग में रख देंगे। ठीक है, इतनी मजबूरी है। लिखा है, एन आर्मी ऑफ बेयर फूट चिल्ड्रेन अपीयर इन द मॉर्निंग विथ देयर प्लास्टिक बैग्स ऑन देयर सोल्जर, यानी कि नंगे पैर के बच्चों की एक सेना सुबह सुबह अपने कंधों पर प्लास्टिक की बैग रखे हुए दिखाई देती है। कूड़ा बीनते हैं वो लोग, कूड़ा ढूंढते हैं, कहीं मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। देखो, गार्बेज हैज ए डिफरेंट मीनिंग फॉर चिल्ड्रेन, यानी कि गार्बेज, कूड़ा करकट, हैज ए डिफरेंट मीनिंग, उसका अलग ही अर्थ है फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए। तो कूड़े करकट का बच्चों के लिए एक अलग ही मतलब होता है, उनके लिए ऐसा उनको लगता है भाई कूड़े करकट में कुछ ऐसी चीज मिल जाए जो काफी महंगी हो। जैसे वो सोचते हैं काश 5 रुपए का सिक्का मिल जाता, 10 रुपए का नोट मिल जाता, 100 रुपए का नोट मिल जाता, उनको लगता है इस कूड़े करकट पे कुछ तो खास हो सकता है। ठीक है, उसी लिए वो कूड़ा करकट बीनते हैं। ठीक है, नहीं मिलता भैया तो वैसे ही बेचकर कुछ करते हैं। फॉर देम, उनके लिए, इट इज रैप्ड,
यह लिपटा हुआ है इन वंडर, आश्चर्य में। तो उनके लिए आश्चर्य में लिपटा हुआ है, उनको लगता है कुछ आश्चर्यजनक चीजें हमें कूड़ा करकट में मिल सकती हैं। हमें 100 का नोट भी मिल सकता है, 200 का नोट भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। आगे देखो, दे मे फाइंड, उन्हें मिल सकता है ये रूपी, एक रुपया, इवन ये 10 रुपी नोट, एक 10 रुपए का नोट भी, और ये सिल्वर क्वाइन, एक चांदी का सिक्का भी। और वो ऐसा सोचते हैं कि उन्हें इस कूड़ा करकट में 1 रुपया भी मिल सकता है, 10 रुपए का नोट भी मिल सकता है, और चांदी का सिक्का भी मिल सकता है। मतलब उनके लिए कूड़ा करकट एक आश्चर्य से लिपटा हुआ एक खजाना है, समझ लो भाई, ठीक है, उनके लिए सोना है वो। आगे देखो, देयर इज ऑलवेज, यहां हमेशा होप, आशा रहती है आप फाइंडिंग मोर, ज्यादा पाने की, और उनको हमेशा कुछ ज्यादा पाने की आशा रहती है, हो सकता है और कुछ मिल जाए इसमें। मतलब वो कूड़ा करकट में ही कुछ मूल्यवान वस्तुओं को ढूंढते हैं ताकि उसको बेचकर उसके बदले में पैसे मिल सके, और अगर वो डायरेक्टली पैसे मिल जाए वो हमेशा ऐसे सोचते रहते हैं, और कुछ ज्यादा पाने की उनको आशा हमेशा रहती है। तो एक बार मैं फिर से इसको डिस्कस करूंगा, आप लोग ध्यान से समझ लेना। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी, सीमापुरी में कूड़ा बीनने वाले लोगों के जीवन का वर्णन करो। तो देखो, सीमापुरी इज ए सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रैग पिकर्स। सीमापुरी 10,000 से भी ज्यादा कूड़ा बीनने वालों की एक बस्ती है। इट इज ए प्लेस ऑन फेरी फेरी ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक स्थान है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, यहां पे रहने वाले लोग 1971 में आए बांग्लादेश के अवैध रूप से रहने वाले निवासी हैं, ठीक है। रैग पिकर्स लिव इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, कूड़ा बीनने वाले लोग मिट्टी के घर में रहते हैं। दे हैव रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, उनकी छतें टिन और तिरपाल की बनी है। देयर इज नो सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर, यहां कोई सीवेज ड्रेनेज या फिर बहता हुआ पानी नहीं है, पानी बह रहा है उसको निकलने की जगह भी नहीं है। दे लिव हियर विदाउट एन आइडेंटिटी एंड विदाउट परमिट, वे यहां बिना किसी पहचान और बिना किसी अनुमति के रहते हैं। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम देन देयर आइडेंटिटी, भोजन उनको उनके पहचान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। चिल्ड्रेन ग्रो अप टू बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, बच्चे भी बड़े होकर जीवन यापन में भागीदार बनते हैं, ठीक है। एन आर्मी ऑफ बियर फुट चिल्ड्रेन अपीयर्स इन द मॉर्निंग विथ देयर प्लास्टिक बैग्स ऑन देयर सोल्जर, यानी कि नंगे पैर के बच्चों की एक सेना सुबह सुबह अपने कंधों पर प्लास्टिक की बैग्स को लटकाए हुए टांगे हुए वो दिखाई देती है। गार्बेज हैज ए डिफरेंट मीनिंग फॉर चिल्ड्रेन, कूड़े करकट का बच्चों के लिए एक अलग ही मतलब होता है। फॉर देम इट इज रैप्ड इन वंडर, उनके लिए ये आश्चर्य से लिपटा हुआ होता है, ठीक है। दे मे फाइंड ये रूपी, इवन ये 10 रुपी नोट और ये सिल्वर क्वाइन, उन्हें 1 रुपए, 10 रुपए या एक चांदी का सिक्का भी मिल सकता है, ऐसा वो लोग सोचते हैं। देयर इज ऑलवेज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और यहां उनको हमेशा कुछ ज्यादा मिलने की आशा रहती है कि हाँ हो सकता है कुछ और हमें इसी कूड़ा करकट में मिल जाए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था भैया, लॉन्ग था तो थोड़ा टाइम इसमें लग गया, चलो इसको नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं और अपने दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन पर चलेंगे जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। अब देखो स्टूडेंट, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या है, व्हाट, किन कंडीशन, परिस्थितियों ने कंपेल्ड, मजबूर कर दिया साहेब साहेब को टू वांडर, भटकने के लिए इन द स्ट्रीट, सड़कों पर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के फॉर रैग पिकिंग, कूड़ा बीनने के लिए। तो किन परिस्थितियों ने साहेब को दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा बीनने के लिए, भटकने के लिए मजबूर कर दिया, आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसने साहेब को दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा बीनने के लिए, भटकने के लिए मजबूर कर दिया भैया कि वो कूड़ा बीने। देखो कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, सबसे मेन जो परिस्थिति है गरीबी है मेरे भाई, गरीबी है तभी तो वो कूड़ा बीनने है। देखो साहेब साहेब हु बिलोंग, जो संबंध रखता है टू द फैमिली, उस परिवार से आप रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले लोगों के। वाज है ये यंग बॉय, एक युवा लड़का, वांडरिंग, भटक रहा है इन द स्ट्रीट, सड़कों पर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के विथ हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स के साथ।
तो साहब जो कूड़ा बीनने वाले लोगों की फैमिली से संबंध रखता है वो एक युवा लड़का है जो अपने दोस्तों के साथ दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा बीनने के लिए भटक रहा है। ठीक है, समझ में आया? देखो सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, आप लोग डरिएगा मत। देखो फिर से मैं बता दूं, साहेब हु बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ रैग पिकर, साहेब जो कूड़ा बीनने वाले लोगों की फैमिली से बिलोंग करता है, वाज ये यंग बॉय, वो एक युवा लड़का है, वांडरिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली विथ हिज फ्रेंड्स, जो अपने मित्रों के साथ दिल्ली की सड़कों पर भटक रहा है कूड़ा बीनते हुए। ठीक है, दे बियर वे थे द स्क्वैटर्स, मतलब अवैध रूप से रहने वाले, फ्रॉम ढाका, ढाका के बांग्लादेश, बांग्लादेश के वेयर, जहां द स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, हैज डिस्ट्रॉयड, यानी कि उसने नष्ट कर दिया था देयर ग्रीन फील्ड, उनके हरे भरे खेतों को एंड होम्स, घरों को। ठीक है, तो वे जो है वे बांग्लादेश के ढाका से आए अवैध निवासी हैं, या बांग्लादेश के ढाका से आए अवैध रूप से रहने वाले लोग हैं, जिनके हरे भरे खेतों और घरों को तूफान ने नष्ट कर दिया था। हुआ क्या कि बांग्लादेश में बहुत ज्यादा तूफान आ गया, ठीक है, तूफान ज्यादा आ गया, बाढ़ आ गया, जिससे उनके हरे भरे खेत भी नष्ट हो गए, उनके घर भी नष्ट हो गए, जिससे वे भारत में आ गए और भारत में वे आप्रवासी, अवैध रूप से वो रहने लगे। तो वही कहा जा रहा है कि वे जो है बांग्लादेश के ढाका से आए अवैध रूप से रहने वाले लोग हैं, जिनके हरे भरे खेतों और घरों को तूफान ने नष्ट कर दिया था। ठीक है, आगे देखो, दे बियर वे थे सो पुअर, बहुत ज्यादा गरीब, दैट कि दे कुड नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जा सकते, मतलब दे बियर सो पुअर, वे बहुत गरीब हैं, दैट दे कुड नॉट गो टू स्कूल, इसलिए वो स्कूल नहीं जा सकते, भैया बहुत गरीब हैं, वो स्कूल नहीं जा सकते, स्कूल में फीस लगता है, ठीक है, बुक्स लगती हैं, कपड़े पहनने पड़ते हैं, जूते पहनने पड़ेंगे, इतने पैसे वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आगे देखो, डियर पेरेंट्स, उनके माता पिता बियर डिपेंड, वो निर्भर हैं ऑन रैग पिकिंग, कूड़ा बीनने पर, ओनली फॉर देयर लिवलीहुड, अपने जीवन यापन के लिए, एंड और अनेबल, वे असमर्थ हैं टू बियर, सहन करने के लिए एनी अदर एक्सपेंसेस, कोई और खर्चा, एक्सपेक्ट फूडिंग, यानी कि भोजन के अलावा, यानी कि डियर पेरेंट्स बियर डिपेंड ऑन रैग पिकिंग ऑनली फॉर देयर लिवलीहुड, यानी कि उनके माता पिता अपने जीवन यापन के लिए कूड़ा बीनने पर निर्भर हैं, अपना जीवन यापन उनको करना है तो कूड़ा करकट बीनना पड़ेगा, उसको बेचकर पैसे कमाने पड़ेंगे। ठीक है, एंड और अनेबल टू बियर एनी अदर एक्सपेंसेज एक्सेप्ट फूडिंग, और भोजन के अलावा किसी और खर्चे को सहन करने में भी असमर्थ हैं, भोजन के अलावा वो कोई और खर्चे कर भी नहीं सकते, इतनी गरीबी है, तो वो पढ़ाएंगे बच्चों को कैसे भाई, उसमें भी पैसे लगते हैं। आगे देखो, इन टोटल कुल मिलाकर दियर पावर्टी, उनकी गरीबी, वाज द प्लाइट, वो दयनीय है, ठीक है, दैट जो कंपेल, उस मजबूर कर दिया जिसने साहेब, साहेब को एंड अदर्स, और लोगों को लाइक हिम, साहेब जैसे लोगों को, टू वांडर, भटकने के लिए, इन द स्ट्रीट, सड़कों पर, आप दिल्ली, दिल्ली के, फॉर रैग पिकिंग, कूड़ा बीनने के लिए। तो कहा जरा, इन टोटल दियर पावर्टी वाज द प्लाइट, मतलब कुल मिलाकर उनकी गरीबी जो है वो एक ऐसी दुर्दशा है, प्लाइट का मतलब होता है भैया दुर्दशा, तो वो एक ऐसी दुर्दशा थी दैट जिसने कंपेल साहेब एंड अदर लाइक हिम टू वांडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली ऑन फॉर रैग पिकिंग, जिसने साहेब और साहेब जैसे बच्चों को दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा बीनने के लिए भटकने के लिए मजबूर कर दिया, यही रीजन है मेरे भाई। चलो एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूं, फिर हमारा काम खत्म होगा। देखो, What condition compelled Saheb to wander in the streets of Delhi for rag picking? यानी कि किन परिस्थितियों ने साहेब को दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा बीनने के लिए, भटकने के लिए मजबूर कर दिया? तो साहेब who belonged to the family of rag pickers was a young boy wandering in the street of Delhi with his friends. यानी कि साहेब जो कूड़ा बीनने वाले फैमिली से बिलोंग करता है वो एक युवा लड़का है जो अपने दोस्तों के साथ दिल्ली की सड़कों पर भटक रहा है। दे बियर द स्क्वैटर्स फ्रॉम ढाका बांग्लादेश वेयर द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड देयर ग्रीन फील्ड एंड होम्स, यानी कि वे बांग्लादेश के ढाका से आए अवैध रूप से रहने वाले लोग हैं जिनके हरे भरे खेतों और घरों को तूफान ने नष्ट कर दिया था।
दे बियर सो पुअर दैट दे कुड नॉट गो टू स्कूल, वे बहुत ज्यादा गरीब हैं इसलिए वो स्कूल नहीं जा सकते. दे बी ये हो गया दियर पावर्टी. Their parents wear depends on rag picking only for their livelihood. यानी कि उनके माता पिता अपने जीवन यापन के लिए कूड़ा करकट बीनने पर निर्भर हैं and unable to bear any other expenses except fooding, और भोजन के अलावा किसी और खर्चे को सहन करने में असमर्थ हैं. आगे देखो, इन टोटल कुल मिलाकर दियर पावर्टी वाज द प्लाइट, उनकी गरीबी वो दुर्दशा थी, दैट जो कंपेल साहेब साहेब को मजबूर कर दिया एंड अदर्स दूसरे लोगों को लाइक्स हिम साहब जैसे टू वांडर इन द स्ट्रीट्स, यानी कि फर्कों पर भटकने के लिए आप दिल्ली दिल्ली के फॉर रैग पिकिंग कूड़ा बीनने के लिए. तो कुल मिलाकर उनकी गरीबी वो दुर्दशा थी जिसने साहब और उसके जैसे लड़कों को उसके जैसे लोगों को दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा बीनने के लिए भटकने के लिए मजबूर कर दिया. ठीक है, मतलब गरीबी के कारण भाई. तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, इसका भी स्क्रीनशॉट लो. चलो स्क्रीनशॉट ले लिया भैया, तो यहीं पे हमारा ये क्लास फिनिश होगा. हमने आपको दो लॉन्ग क्वेश्चन बताए, सॉल्व आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो हमने टोटल 5 क्वेश्चन देखे. देखो ये 5 क्वेश्चन टोटल थे. तो ये आपका पूरा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है. तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जरूर हुआ होगा लेकिन आज आपका लॉस्ट स्प्रिंग का हमने कर दिया है खात्मा. ठीक है, तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब. मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.